नमस्कार मु सुसाना प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानंकु स्वागत जनाए आसंतु आजिर ध्यान निमन्ते पवित्र बाइबल द्वितीय वंशावली 28 पर्व 16 पदरु 27 पद जाए पाठ करिबा। आजिर मुख्य प्रसंग पाप उपरे पाप। एठारे ए प्रकार लेखा जाए सही समय रे आहस राजा आपणार साहाज्य पाई असुरिय राजा मानंक निकट को लोक पठाइले। कारण इदोमियो लोकमाने पुनर्बार जिहुदा देश को आसी परास्त करी अनेकंकु बंदी करी नेई जाइथिले। पलेस्टियो माने मध्य तळ भूमिर ओ जिहुदा दक्षिणांचलर नगर मान आक्रमण करी बैत सेमस ओ आयालोन ओ गदेरोत पुणी सोखो ओ तहिर उपनगर तिम्ना ओ तहिर उपनगर गिम्सो ओ तहिर उपनगर सकल हस्तगत करी सेठारे बास करुथिले। कारण इस्राएलर राजा आहस्क सकाशु सदाप्रभु जिहुदा को खर्ब कले जेणु से जिहुदा मध्यरे स्वेच्छाचारी करी सदाप्रभुंक विरुद्धरे नितांत सत्य लंघन करिथिले। एथि उतारे असुरर राजा तिग्लत पिलनेसर तांक निकट को आसिला मात्र तांकु बल न देई क्लेश देला। कारण आहस सदाप्रभुंक गृहरु ओ राजांकर ओ अधिपति मानंक गृहरु धन हरण करी असुरर राजा को देले मात्र तद्वारा तांकर साहाज्य हेला नाही। पुणी सेही आहस राजा आपणार क्लेश समय रे सदाप्रभुंक विरुद्धरे आहुरी सत्य लंघन कले। कारण जेउ दमेशकीय देवगण तांकु परास्त करिथिले सेमानंक उद्देश्य रे से बलिदान कले। आउ से कहिले अरामीय राजा मानंक देवगण सेमानंकर साहाज्य करियछंति एहेतु मु सेमानंक निकटरे बलिदान करिवि तहिरे सेमाने मोहर साहाज्य करिवे। मात्र सेमाने तांकर ओ समग्र इस्राएलर विनाशर कारण हेले। ए उतारे आहस परमेश्वरंक गृहर पात्र सकल एकत्र कले ओ परमेश्वरंक गृहर सेही पात्र सबु काटी खंड खंड कले ओ सदाप्रभुंक गृहर कबाट सबु बंद कले। पुणी से जिरुसालमर प्रत्येक कोणरे आपणा पाई यज्ञवेदी निर्माण कले। आहुरी से अन्य देवगण उद्देश्यरे धूप जोळाइबा पाई जिहुदार प्रत्येक नगररे उच्चस्थळी निर्माण कले ओ सदाप्रभु तांकर पितृगणंकर परमेश्वरंकु विरक्त कले। तांकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर आद्यंत सकल आचरण देख जिहुदार ओ इस्राएलर राजामानंक पुस्तकरे लेखा अछि। ए उतारे आहस आपणा पितृगण सहित शयन करते लोकमाने जिरुसालमरे नगर मध्यरे तांकु कबर देले। कारण सेमाने तांकु इस्राएलर राजामानंक कबरकु आणिले नाही। तही उतारे तांकर पुत्र हिजकिय तांकर पदरे राज्य कले। एही पठित अंश को बुझिबा अन्य देशगुड़िक द्वारा क्रमागत आक्रमण और धमक सत्वे आहस राजा ईश्वरंक निकट को न फेरी बरं असुर और प्रतिमा गुड़िक उपरे निर्भर कले ओ आहुरी अधिक दुर्दशाग्रस्त होई विनाश हेले। आहस जेते अधिक क्लेश पाइले ईश्वरंक विरुद्धरे सेते अधिक पाप कले। से जे केवल अरामीय मानंक प्रतिमा गुड़िक आनी ताहार सेवा कले ताहा नुहे किंतु से मध्य मंदिरर पात्र सबुकु नष्ट कले ओ एपरिकि ईश्वरंक गृहर कबाट सबु बंद कले। एथिरे जथेष्ट हेला नाही जे आहस ईश्वरंक क्रोधकु प्रज्वलित करिबा निमन्ते जिहुदार प्रत्येक नगररे प्रतिमा गणर सेवा करिबा उद्देश्यरे उच्चस्थळी सबु निर्माण कले। एही पठित अंशरे ईश्वर आमकु कौन सिखान्ति आसन्तु देखिबा। षोहळ पदरु एकोईस पद मध्यरे दुर्दशा समयरे ईश्वरंक अन्वेषण न करिबा ही सबुठारु बड़ विपद अटे। आम्भेमाने मने रखुजे आजि आम्भेमाने जेउ सबु उपरे निर्भर करु ताहा परवर्ती समयरे आम्भमानंक निमन्ते फांद होइपारे जहाकि बहुत बड़ दुर्दशारे आम्भमानंकु पकाइब। छब्बीस पदरु सतैश पद अनुसारे शेषरे आहस राजा इस्राएलर राजामानंक कबररे स्थान पाइले नाही।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କବର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଭାଗ୍ୟର ଛାୟାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କଲା। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଓ ନିର୍ଭର ରଖି ତୁମଠାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।